नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालु की सुविधा के लिए दानदाता एसबीआई बैंक के माध्यम से दो स्थानों पर करीब 1 करोड़ रुपए कीमत की 12x25 फीट साइज की उच्च क्वालिटी की एलईडी लगाई है। अब मंदिर के बाहर से श्रद्धालु भगवान महाकाल के सहज दर्शन का लाभ ले रहे हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंदिर में प्रशासन द्वारा बैरिकेड्स के माध्यम से भगवान के दर्शन की व्यवस्था है। मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने बताया कि पिछले दिनों एसबीआई बैंक के अधिकारियों से मंदिर के लिए दो हाई क्वालिटी की बड़ी एलईडी स्क्रीन दान करने का निवेदन किया था। इसके बाद बैंक द्वारा अपने सीएसआर फंड के माध्यम से 12 फीट चौड़ी और 25 फीट लंबाई वाले दो हाई क्वालिटी की एलईडी मंदिर समिति को दान की है। एक एलईडी की कीमत 48 लाख से अधिक है। दोनों की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई है। मंदिर प्रशासन ने एक एलईडी मंदिर के 1 नंबर गेट पर लगाई है, वहीं दूसरी एलईडी महाकाल महालोक के त्रिनेत्र क्षेत्र में लगाई है। अब दोनों स्क्रीन के माध्यम से हजारों श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन का लाभ ले रहे हैं। खास बात यह है कि एलईडी की क्वालिटी हाई होने से बड़ी दूर से गर्भगृह में विराजित भगवान के दर्शन स्पष्ट हो रहे हैं। महाकाल यात्रियों को दर्शन के लिए अभी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दो बड़ी एलईडी लगाई गई है, जिसकी साइज 25 फीट चौड़ी और 12.5 इंच फीट लंबी है, और उस पर काफ़ी यात्री दर्शन कर रहे हैं। और उसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को बाबा महाकाल के दर्शन हो सके। अभी दो एलईडी लगी है, 1 नंबर गेट पर है और 1 त्रिनेत्र पर। इसके पूर्व भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दो एलईडी पूर्व में भी लगाई गई है, और जो शंख द्वार पे और मुख्य द्वार पे। ये लगभग 47 लाख की एक एलईडी है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।